फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया। बोर्ड की दृष्टि से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएंगे जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जितने भी शेप्स हैं तो उनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में बताता हूँ, एकदम डिस्क्राइब करके। ठीक है, डिटेल से। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड जिसकी तीनों डायमेंशन की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है। और एक होता क्यूब जिसमें तीनों डायमेंशन जो होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमारी लेंथ, ये हमारी हाइट और ये हमारी ब्रेथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो ऑल साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, तो ये लेंथ, तो ये भी लेंथ होगी और ये फिर वो भी हमारी लेंथ ही होगी। इसके सिक्स फेसेस होते हैं, एक ये वाला फेस, इसके पीछे वाला, दो इधर और दो ऊपर, तो सिक्स फेसेस होते हैं जिसमें एक फर्श और एक छत शामिल होती है और चार साइड शामिल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसका एरिया बताऊंगा आपको। तो एक कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया जिसमें छत और फर्श शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो फर्श और छत शामिल नहीं हुआ तो कौन हुआ, चारों साइड शामिल होंगी, तो लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट ये पीछे वाली और इधर से ये ब्रेथ और हाइट, ये वाली ब्रेथ और ये वाली हाइट, तो टू ब्रेथ और हाइट होगी, तो ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हम 2h कॉमन ले लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगी। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया देखें हम, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका जो फर्श और छत्ती वो भी शामिल हो जाएगी, मतलब टोटल, मतलब जितना भी इसके साइड्स हैं उन सब साइडों का एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पे क्या था, 2LH और 2BH प्लस फर्श जो था L इंटू बी, ये फर्श था और फर्श के बराबर ही छत होती है, आप देखना जो फर्श होता है उतनी ही बराबर हमारी छत होती है, तो 2LB जो हमारा हुआ फर्श और छत का दो एरिया जुड़ जाएंगे, तो टोटल सर्फेस एरिया वो क्या होगा, LB BH प्लस HL, ये हमारा टोटल सर्फेस एरिया इसका क्यूबॉइड का। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम यही, अब यहीं से हम कर्व सरफेस एरिया किसका, क्यूब क्यूब का फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूब का, तो क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो टू लेंथ होगा वो भी लेंथ ही रहेगी और जो ब्रेथ रहे, वो हाइट रहेगी वो भी लेंथ ही होगी, प्लस टू ब्रेथ और हाइट इक्वल होंगी, तो मैं बोल सकता हूं एल इंटू एन, तो एक 2L² और ये भी 2L² क्या हो जाएगा, 4L² हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 और लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएंगी, तो लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह भी लेंथ आएगा, ब्रेथ की जगह भी लेंथ आएगा, हाइट की जगह भी लेंथ आएगा, तो क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी लेंथ लेंथ होंगे और ये भी लेंथ इनटू लेंथ, तीन बार लेंथ 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 है, तो क्या हो जाएगा, 3L² हो जाएगा और ये हो जाएगा 6L², ये हमारा क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें हम क्यूब में, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल और हाइट भी एल, मतलब एल क्यूब, एल यहां पे क्या है हमारा, साइड है, तो हम इसको बोल सकते हैं साइड क्यूब, 6 साइड² 4 साइड
स्क्वायर, ये हमारा क्यूबॉइड और ये हमारा क्यूब, ये इसके फॉर्मूले है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सिलेंडर और कोन के बारे में। तो सिलेंडर और कोन, ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। तो ये हमारा सिलेंडर है जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन, ये इसकी हाइट है और ये रेडियस, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि डायमीटर की हाफ होती है। ये तो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके होंगे, डायमीटर जो होगी वो रेडियस के टू टाइम्स होगी, ठीक है। अच्छा ये होता है हमारा कोन, कोन और ये सिलेंडर, हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन और इसको शंकु। ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, ठीक है, और ये इसकी रेडियस और ये हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा यहां पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल की वैल्यू होगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, मतलब स्लैंट हाइट इक्वल टू अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अच्छा मैं इसका वॉल्यूम बताऊं तो ये वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, और इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड्स। इसके मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया जिसको हिंदी बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में होता है कर्व सरफेस एरिया बोले तो, जिसमें छत और फर्श शामिल नहीं होता है, तो मतलब 2πRH। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक कॉपी लेकर समझा सकता हूं कि ये हमारी नोटबुक है जिसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो मैं इसका सिलेंडर बना दूंगा इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा सरकमफेरेंस है अब ये, और सरकमफेरेंस क्या होता है हमारा 2πR, सरकमफेरेंस होता है हमारा 2πR, और हाइट तो हमारी ये वर्क करेगी तो ये सिलेंडर हो गया तो ये इसकी हाइट की तरह रिएक्ट करेगी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा 2πRH मतलब चारों साइड का एरिया, और फर्श और छत का एरिया शामिल हो जाएगा, तो फर्श और छत का शामिल होगा, तो जो फर्श होगी वो क्या होगी सर्कुलर होगी, और छत भी उसका जो सिलेंडर का होगा वो सर्कुलर होगा, तो यहां से पाई आर स्क्वायर आएगा और यहां से पाई आर स्क्वायर आएगा, तो टोटल कितना 2πR², यहां से 2πR कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टोटल सर्फेस एरिया हो जाएगा इसका। अच्छा इसका कर्व सर्फेस एरिया बात करें तो चारों तरफ क्या क्या होगा पाई आर एल, ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल सर्फेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें छत जो होती है वो पॉइंट के बराबर होती है, मतलब एक पॉइंट होता है और पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ फर्श फर्श रह जाएगा, और फर्श का एरिया जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा, तो जो फर्श का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई आर कॉमन लिया जाए तो एल प्लस आर बचेगा। ये हमारा स्फीयर है और ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। स्फीयर एक 3D फिगर है जिसको मैं इस पे मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, आपने फुटबॉल देखी होगी तो वो क्या होती है उसमें 3D फिगर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फीयर। एक होता है सर्कल जो कि 2D फिगर है। अच्छा तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगी, ठीक है, और ये हमारा स्फीयर, तो इसकी मान लिया ये इसका सेंटर है, तो यहां से सेंटर से इसकी दूरी रेडियस, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम देखू स्फीयर का तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और जो टोटल सरफेस एरिया बोले या सरफेस एरिया बोले वो क्या होगा 4πR², ठीक है। इसमें कोई फर्श और छत होती नहीं है तो वही जो कट सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसकी कोई फर्श है और ना ही इसकी कोई छत है, ठीक है। अच्छा मैं इस हेमिस्फीयर की बात करूं जो कि एक स्फीयर को आधा काट करके बनाया गया है, तो मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम जो होगा वो इस वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, क्योंकि जो
शेप थी जो स्फीयर था मैंने उसको आधा कर दिया तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो भी हाफ रह जाएगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं तो उससे पहले कर्व सरफेस एरिया बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसमें छत शामिल ना हो, तो ये जो एरिया होगा टोटल इधर का जो एरिया वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, वो होगा 2πr² इसका हाफ कर्व सरफेस एरिया होगा। अच्छा टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा 2πr² जो कर्व सरफेस एरिया था उसमें ऐड हो जाएगा टॉप का एरिया। टॉप क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है πr² मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr². ओके फ्रेंड्स।